हैप्पी राखी टू ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली। रंग बिरंगी राखी लेकर आई बहना, ओ राखी बंधवा ले मेरे वीर, ओ राखी बंधवा ले मेरे वीर। आज मैं आपसे राखी के त्योहार पर कुछ बात करने आई हूँ, बट ये एक अलग पहलू है राखी का जो बहुत कम लोग समझते हैं या महसूस करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इन व्यूज को गलत ना समझें और इन पर थोड़ा विचार करें। मेरे लिए राखी एक बहुत ही पायस और पवित्र बॉन्ड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में राखी के त्योहार को बहुत ही कमर्शियलाइज कर दिया गया है, एक बिजनेस की तरह। कुछ लोग सोचते हैं कि बहनें शगुन के लिए राखी बांधती हैं, तो वहीं कुछ भाई ऐसे होते हैं जो बेचारे शगुन की चिंता में डूब जाते हैं कि अब राखी पर बहन को क्या देंगे। पहले मैं बात करूंगी उन बहनों की जिनके भाई नहीं होते, वो बेचारी तो राखी के त्योहार वाले दिन मायूस ही हो जाती हैं। मैं ये सोचती हूं कि हम राखी के त्योहार को भाई बहन का त्योहार कर ही क्यों मनाते हैं, क्या हम इसे रिश्तों के त्योहार की तरह नहीं मना सकते? क्यों हम राखी पर एक भाई की इम्पोर्टेंस को, एक लड़के की इम्पोर्टेंस को अननेसेसरली इतना बढ़ा देते हैं कि अल्टीमेटली वो एक जेंडर बायस यानी कि लड़का लड़की के भेदभाव में बदल जाता है। हर घर ये चाहता है कि उनके घर लड़का हो, कहीं ना कहीं इस सोच से कि फिर हमारी बेटी राखी किसको बांधेगी। बहनें भी तो आपस में राखी बांध सकती हैं, है ना? मैं ऐसे कई फैमिलीज को जानती हूं जहां पर दो बहनें आपस में राखी बांधती हैं और बहुत प्राउड फील करती हैं, उन्हें भाई की कमी महसूस ही नहीं होती। क्यों एक बहन आपस में राखी नहीं बांध सकती? या अगर किसी के सिर्फ एक बेटी है तो वो बेटी पिता को राखी बांध सकती है, दो भाई हैं तो भाई आपस में राखी बांध सकते हैं, एक लड़का अपने पिता को राखी बांध सकता है, तो क्यों हम इस त्योहार को एक रिश्तों के त्योहार की तरह सेलिब्रेट ना करें? इसी से तो लड़का और लड़की का भेदभाव और पनपता है। बहन ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई ना हो तो ये बार बार जताया जाता है कि उस बेचारी का तो भाई नहीं है। कभी सुना है हमने ऐसा किसी को कहते हुए कि उस बेचारी की बहन नहीं है, उसे राखी कौन बांधेगा? बहन नहीं है तो चलता है, लेकिन भाई नहीं है तो बहुत बड़ी कमी महसूस कराई जाती है। दूसरी तरफ अगर एक भाई के नजरिए से देखें तो उस बेचारे को तो बचपन में ही बड़ा बना दिया जाता है। अगर कोई भाई छोटा भी होता है तो उसे जिम्मेवारियों का एहसास दिला दिलाकर अल्टीमेटली एक बड़ा भाई ही बना दिया जाता है। उसे बार बार ये जताया जाता है कि उसे तो बहनों की केयर करनी है। क्यों? उसकी बहनें क्या इतनी कमजोर हैं कि वो अपना ध्यान नहीं रख सकती? अगर हम एक लड़के को बचपन से नाजुक तरीके से पालेंगे तो वो भी उतना ही नाजुक बन जाएगा जितना हम लड़कियों को नाजुक बनाकर पालते हैं। अगर लड़कियां इतनी ही कमजोर होती तो फिर कोई मैरी कॉम या गीता बबीता कभी पैदा ही नहीं होती। मैं मानती हूं कि लड़कियां लड़कों के कंपैरिजन में फिजिकल स्ट्रेंथ में थोड़ी पीछे होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत कमजोर होती हैं। अगर हम उन्हें उसी तरीके से परवरिश दें तो वो भी उतनी ही स्ट्रांग बन जाती हैं जैसे कि एक मैरी कॉम या गीता बबीता। और हां, दूसरा भाइयों पर एक अननेसेसरली फाइनेंशियल बर्डन डाला जाता है कि उन्हें लड़कियों को देना है। क्यों? ऐसा क्यों? आप सोच सकते हैं कि इसकी वजह से कितने रिश्ते खराब हो जाते हैं जस्ट इसलिए कि भाई भाभी के दिमाग में ये चलता है कि लड़कियां घर आएंगी तो उनको कुछ देना है, त्योहार आ रहा है लड़कियों को कुछ देना है। किस लिए?
किस लिए हम लड़कियों को त्योहारों के नजर में, त्योहारों की आड़ में इतना कमजोर बना देते हैं? एक भाई के लिए ये फाइनेंशियल बर्डन भी तो हो सकता है कि राखी आ रही है तो बहन को अच्छा सा शगुन देना है, स्पेशली शादी के बाद। शादी के बाद तो हर कोई लड़की पर नजर गड़ाए बैठा होता है कि उसका भाई उसे शगुन में क्या देगा। राखी एक रिश्तों का पवित्र त्योहार है, तो क्यों ना हम इसे एक दूसरे की केयर करके अच्छे से मनाएं? कितना अच्छा लगेगा ना, कि बचपन में लड़कियां भाई ढूंढती रहती हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो ये त्योहार सिर्फ गिफ्टों का आदान प्रदान रह जाता है, जैसे कि सिर्फ एक गिफ्ट का रिश्ता होता है। कई लोग तो सोचते हैं कि अब लड़कियों को त्योहार पे कुछ देना पड़ेगा, और सच में ऐसा सोचकर, ऐसे रिवाजों की वजह से लड़कियां सच में अपने घर में पराई हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर घर में ऐसा होता है, मगर ऐसा भी नहीं कि ऐसा होता नहीं है। बहुत से घर ऐसे हैं जहां पर ऐसा होता है, और मैं अपने इस वीडियो से ऐसे ही लोगों को ये संदेश देना चाहती हूं कि राखी के त्योहार को रिश्तों के त्योहार की तरह मनाएं, ना कि तोहफों की चमक की तरह। बदलते जमाने के साथ हमें राखी के त्योहार में भी कुछ बदलाव लेकर आने चाहिए। बहन बहन को राखी बांधे, बेटी पिता को राखी बांधे, भाई भाई को राखी बांधे और बेटा पिता को राखी बांधे। राखी के त्योहार को सिर्फ शगुन के त्योहार की तरह न मनाएं। राखी के त्योहार में प्यार का बंधन जरूरी है, ना कि शगुन का। उन सभी परिवारों को राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इसे प्यार के धागों से मनाते हैं। राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार, बंधा हुआ एक एक धागे में इस रिश्ते का प्यार। राखी धागों का त्योहार, राखी धागों का त्योहार। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं अपनी बहन को, तो दिल से दें, प्यार से दें, किसी दिखावे या जबरदस्ती से नहीं। इसी उम्मीद के साथ कि लोग इसे प्यार से, प्यार के धागों से मनाएंगे, A very very happy Rakhi to everyone. Till next time, bye bye and take care.